सारे दे दे, सारे दे दे, सारे ले जा फिर। तो ये है नमकीन जो मैं ओम के लिए लेके जा रही हूँ। ओम रो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 15 मार्च 2023 और आज के दिन होता है फुल डे। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने सोचा कि आज एक फिर से ब्लॉग बना लिया जाए फुल डे पे। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी फुल डे में कैसे हमारे वहाँ पे फुल डे मनाई जाती है। हमारे पहाड़ियों में ये पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है, हर घर में आज फुल डे मनाई जाती है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फुल डे में मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले करते हैं गाइस पूजा, और जो कि मैं अपने मंदिर पे करूंगी। मैं आप लोगों को इस बहाने अपना मंदिर भी दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ मेरे मंदिर पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे घर का मंदिर। जो हमने ऐसे डेकोरेट किया है, और हमारे इष्ट देव हैं शिव रूपी मन महेश खंडेनाथ स्वामी। तो गाइस, अब मैं कर लेती हूँ सूर्य की पूजा और दिया बत्ती जलाती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात। अब मैं लगाती हूँ टीका, जो कि बिना शीशे में देखे तो मेरे से टीका लगता नहीं है, इसलिए ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके टीका लगाती हूँ। और दूसरा है ये फुल देई की थाली, तो इसको ले जा करके जाती हूँ, देखती हूँ आज कोई बच्चे आते हैं तो उनके द्वारा मैं फुल देई करती हूँ। अपनी डेली में फूलों से पूजा करती हूँ और उनको दक्षिणा देती हूँ और उनको अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज हमारे घर में कौन बच्चे आते हैं और वो कैसे फुल डे मनाते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, लग गया है मेरा टीका। तो देखिए गाइस, ये आए हैं हमारे घर पे दो बच्चे, एक का नाम है सृष्टि और एक का नाम है ओम।
अब इन दोनों को मैं पिला रही हूँ ठंडा ठंडा सा जूस। तो ये है नमकीन जो मैं ओम के लिए लेके जा रही हूँ। ओम रो रहा है तो ये लो ओम। अब रोना बंद। बंद। थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू बुआ। खा फिर अब खा। हाय इतना रोना। तो गाइस अब मैं लगाती हूँ सृष्टि को टीका, उसके बाद सृष्टि करेगी फुल डे हमारे घर पे। तो ये सृष्टि ने किया है मुझे प्रणाम। अब मैं दूंगी सृष्टि को दक्षिणा। पकड़ ही नहीं रही है वो, देखो 500-500 के इतने सारे नोट। खुश हो गई। वाओ। तो अब सृष्टि कर रही है हमारी दिल्ली में फूल दही, फूलों से और चावल से वो दिल्ली का पूजन कर रही है बहुत ही प्यार से। इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ चाउ चाउ मैगी ओम और सृष्टि के लिए। वो हमारे घर आए हैं फूल दही मनाने, तो मैंने सोचा कि उनको मैगी बना के खिला दूँ। और मैगी मैं ये नेपाल वाली बनाऊँगी चाउ चाउ, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस मैगी को कैसे बना रही हूँ। तो गाइस मैंने रख दी है कढ़ाई और उसमें घी गरम हो गया है। मैं घी में ही बनाती हूँ मैगी। तो अब मैं मैगी बनाऊँगी। देखिए आप तो फ्रेंड्स ये प्याज हो गया है हल्का ब्राउन, और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद मैं डालूंगी इसमें मैगी, मैगी मसाला। तो फ्रेंड्स ये बन गई है मेरी मैगी। अभी थोड़ा पानी सूख जाए तो बढ़िया दिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कर दी है मैगी तैयार और सबके लिए परोस भी दी है बढ़िया से कटोरियों में, छोटों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो अब देखते हैं खा के कैसी लगती है उनको मेरी बनाई हुई मैगी। और कुछ आए ना आए मुझे मैगी बनाना तो आएगा ही। फ्रेंड्स ये हैं सृष्टि और ओम जिनके लिए मैंने मैगी बनाई थी, और ये दोनों बढ़िया करके मैगी खा रहे हैं। तो सृष्टि कैसी हो रही है मैगी? मैगी टेस्टी हो रही है बहुत। बढ़िया अच्छी लगी आपको? सच्ची में? सच्ची। और ओम आपको? अच्छी हो रही है। अच्छी लगी सच्ची में? तो फ्रेंड्स अब मैं भी खा लेती हूँ कुछ। मम्मी ने बनाए हैं आज आलू के गुटके और पूरी गर्मा गर्म, तो मैं भी खा लेती हूँ अब। काफ़ी देर हो गई है, सृष्टि और ओम को मैगी खिला दी है। आजकल के बच्चे तो मैगी ही पसंद करते हैं। हमारे टाइम पे तो हमारी मम्मी या तो आलू पूरी बनाती थी या फिर आज स्पेशली बनता है चावल का सैया। तो चावल का सैया बनाया नहीं, आज आलू पूरी ही बने हैं। बाय सृष्टि, बाय ओम, फिर आना ओके, बाय। तो फ्रेंड्स सृष्टि और ओम तो चले गए अपने घर वापस, और बहुत अच्छा लगा वो लोग आज हमारे घर आए और उन्होंने हमारे साथ फुल्लई मनाई। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा आज है हिंदू नववर्ष का पहला दिन, पहला महीना, और एकते संक्रांति की है। और आज हर घर में पर्व मनाया जाता है जिस पर्व को हम फुल्लई के नाम से जानते हैं। ये पर्व उत्तराखंड का पर्व है जो हर घर में मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे बगीचे से फूल तोड़ करके लाते हैं और हर घर की दहलीज पे पूजा करते हैं। और आज के दिन से ही बसंत का आगमन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि फूल पत्तियां सब नए नए आते हैं, तो इससे जो होता है कि हमारे घर में हमारी ज़िंदगी में भी फिर से बाहर आ जाती है। तो आज यही सब कुछ देखते हुए मैंने ब्लॉग तैयार किया। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इस ब्लॉग में कितनी मस्ती करी है। बहुत कुछ तो मैं डाल नहीं पाती हूँ क्योंकि वैसे मैं बहुत
मस्ती खोर हूँ, बचपना है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा सिंसियर दिखाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।